मैंने तो हरिश्चंद्र ये सुना है, विश्वामित्र बोले। हरिश्चंद्र ने जब ये कहा, विश्वामित्र कहने लगे कि हे राजा हरिश्चंद्र, आप हमें हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं लेना चाहते हैं और हम तो एक महात्मा हैं। विश्वामित्र बोले, महाराज आप मांग लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखो, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। आप हमारे घर में चलिए, महलों में चलिए, जो मांगोगे आपको हम वही देंगे। विश्वामित्र बोले, मांगने का तो मौका इस समय ही है, कहा मांग लीजिए, इस समय पास कुछ नहीं है, घर पर चल के देंगे। और इस समय मेरे हाथों में तो ये कुंजी और लगाम है और कुछ नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, महाराज यही काफी है, केवल इसी का संकल्प छोड़ दीजिए। हरिश्चंद्र ने सोचा नहीं, विचारा नहीं, विश्वामित्र ने जैसे ही कहा तो कुंजी और लगाम का संकल्प दे दिया। उसके बाद कहा, महाराज और कुछ? जवाब दिया, अभी 60 बार सोना और तुम्हारे ऊपर हमारा कर्ज अदा है, वो करना पड़ेगा, बाकी है। तो कहने लगे, अच्छा महाराज, इस समय तो मेरे पास 60 बार सोना नहीं है, आप मेरे महलों में चलो और मैं अपने महलों में चल करके तुम्हारा 60 बार जो सोना मेरे पे चढ़ रहा है, मैं जाकर के तुम्हारा महलों में अदा करूंगा। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेकर के जब अपने दरबार में पहुंचे हैं, जाकर के आसन पर बिठाया है विश्वामित्र को, और हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला करके आज्ञा दी है कि खजाने में से 60 बार सोना ला करके महाराज विश्वामित्र को दे दीजिए। मंत्री सोना लेने के लिए जब चला तो थोड़ी दूर चला, फिर वापस हो गया, कहने लगा, महाराज पहले चाबी दे दीजिए। जैसे चाबी का नाम सुना है तो हरिश्चंद्र ने एकदम से अपने सर को पकड़ करके जमीन पर बैठ गए कि हे प्रभु, मैंने किया कुंजी लगाम का तो मैंने पहले से ही संकल्प छोड़ दिया है, मेरे हाथों में तो कुछ बचा ही नहीं है। विश्वामित्र हंसने लगे, कहने लगे, हरिश्चंद्र क्या पागल हो गए हो तुम, मेरी बात सुनो।
बकिन पे हुकम बजाता है। विश्वामित्र ने कहा, राजन क्या पागल हो गए हो? अब ये धनदान, ये राजपाट सब मेरा है, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरी माता और जब हरिश्चंद्र ने ये सुना और जब समझा तो हरिश्चंद्र की छक्का छूट गए, पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी समय विश्वामित्र के चरणों में गिर गए। कहने लगे, महाराज इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, अब आप हमें थोड़ी सी आज्ञा दीजिए। हे प्रभुवर, बोले आज्ञा कहाँ जाओगे? कहा कि जो मेरी रानी तारा है ना, मैं अपनी रानी तारा के पास जाऊंगा और मेरी रानी तारा, मुझे उसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है कि मेरी रानी मुझे दुख में अवश्य ही कुछ न कुछ मेरी जरूर सहायता करेगी, आप दे दीजिए आज्ञा। मेरी माताओं, आज विश्वामित्र ने जब सुना तो कहने लगे, हरिश्चंद्र वैसे तो इस संसार में कोई किसी का है ही नहीं, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसका पति, ये सब दुनिया मतलबी है, स्वार्थी है जमाना। जब तक आपके हाथ में पैसा है, दौलत है, तब तक ये सभी साथ देंगे, और जब जान लेंगे हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ है, तो महाराज कोई साथ नहीं देता, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। और अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास है ना, तो चले जाओ। मेरी माताओं, उसी समय हरिश्चंद्र वहां से जब चले हैं धीरे धीरे अपनी रानी तारा के पास में जब चले हैं महलों की तरफ, इधर मैया तारा ने अपने पिया को जैसे आता हुआ देखा है माताओं, तो आरती का थाल उठाया, बड़े प्रेम से सजा करके मैया लाई है, और हुआ ऐसा है।